सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर आया, जहां लोग अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए, जहां शहर के कई नेता लॉकडाउन के समय गायब नजर आए। ऐसे में केवल एक ही लोक नेता रहे जो नवी मुंबई में इस वायरस से सामना करने के लिए डट कर खड़े रहे। इस महामारी के खिलाफ विधायक गणेश नाइक ने मार्च माह में ही जंग का ऐलान कर दिया था। गणेश नाइक ने धर्म, जाति एवं पंथ से परे होकर केवल इंसानियत की भावना से अपना फर्ज निभाया और कोरोना काल में महामारी से ना डरकर नवी मुंबई के पालक की भूमिका साकार की। उनके प्रयासों से आज नवी मुंबई में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना मरीजों की शून्य मृत्यु के ध्येय को साकार करने में हमारा शहर कामयाब हो रहा है। कोरोना मरीज ठीक होने का प्रमाण अब 96% तक पहुंच चुका है। नवी मुंबई शहर के कोरोना मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका साकार करने वाले गणेश नाइक द्वारा कोरोना काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की दखल लेते हुए उन्हें सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले सकार सम्मान पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कृषि मंत्री के हाथों एवं विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर की उपस्थिति में यह पुरस्कार विधायक गणेश नाइक की ओर से पूर्व सांसद संजीव नाइक ने स्वीकार किया। आइए डालते हैं एक नज़र कुटुंब प्रमुख के तौर पर विधायक गणेश नाइक द्वारा नवी मुंबई में किए गए कार्यों की ओर। लॉकडाउन से पहले नवी मुंबई की आरोग्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल एवं वाशी स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा। नवी मुंबई शहर में कोविड की तर्ज पर किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए वाशी स्थित पालिका अस्पताल पहुंचने वाले विधायक गणेश नाइक नवी मुंबई के पहले नेता बने। मिशन फीड द नीडी के माध्यम से 111 प्रभागों में अनाज का वितरण। मिशन फीड द नीडी मुहिम के तहत पूरे नवी मुंबई में गणेश नाइक द्वारा अनाज बांटा गया, खास तौर पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच। महानगर पालिका सिडको महावितरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल MIDC के साथ बैठकों का किया गया आयोजन। शहर के नागरिकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक गणेश नाइक ने महानगर पालिका सिडको महावितरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल MIDC के साथ बैठकों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं के संदर्भ में उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी। नवी मुंबई को कोरोना मुक्त कराने के लिए हर सप्ताह पालिका जाकर समस्या का निपटारा करने वाले महाराष्ट्र के एकमेव विधायक। कोरोना काल में गणेश नाइक हर सप्ताह घर से बाहर निकलकर नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें नवी मुंबई एवं नवी मुंबई की जनता की समस्याओं से रूबरू करवाने वाले महाराष्ट्र के एकमात्र विधायक रहे। कोविड
कोविड-19 महामारी में लोगों की परेशानी हल करने के लिए विधायक गणेश नाइक द्वारा शुरू किया गया 24/7 फक्त एक फोन अभियान। लोगों को वक्त पर एम्बुलेंस सुविधा, अस्पताल सुविधा, आईसीयू बेड उपलब्ध करवाना, साथ ही अगर अस्पताल के बिल की राशि अधिक है तो उसे कम करना, इन सब बातों के लिए लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए विधायक गणेश नाइक के माध्यम से 24/7 ये मुहिम शुरू की गई। नवी मुंबई में संकट से भरे कोरोना समय के दौरान गणेश नाइक ने लोगों को हर प्रकार की राहत प्रदान करने की मुमकिन कोशिश की और सिर्फ उन्हीं के नेतृत्व के कारण नवी मुंबई में आज कोविड का ग्राफ गिरता जा रहा है। जब से नवी मुंबई की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक हर मुश्किल और अहम वक्त पर गणेश नाइक लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। कोरोना जैसी कठिनाई के दौर में गणेश नाइक जिस प्रकार नवी मुंबई के कवच बने रहे और उनके इसी कार्य की बदौलत उन्हें सकार सम्मान 2021 ये पुरस्कार देकर नवाजा गया। इसी संदर्भ में बात करते हुए अरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने कहा कि सकार सम्मान पुरस्कार ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भले ही यह सम्मान विधायक गणेश नाइक को दिया गया हो, मगर मैं ये मानता हूँ कि विधायक गणेश नाइक द्वारा आवाहन करने के बाद जिन लोगों ने कोविड के समय अपना योगदान दिया है उन सभी का यह सम्मान है। सकार सन्मान पुरस्कार हा खूप प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या कालावधीमध्ये ज्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामधील लोकांनी योगदान दिलं त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला आणि नवी मुंबईमध्ये मार्चपासून आदरणीय नाईक साहेबांनी घेतलेली भूमिका, एक बजावलेली कुटुंब प्रमुखाची भूमिका आणि त्याचबरोबर आपण स्वतः काम करत असताना आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना केलेलं आवाहन आणि प्रत्येक म्हणजे फक्त नवी मुंबई नाही तर नाईक साहेबांच्या विचाराने प्रेरित झालेले नवी मुंबईच्या बाहेरचे महाराष्ट्रातले किंबहुना महाराष्ट्राबाहेरचे देखील लोक आपल्या यथाशक्ती जे काय शक्य होईल त्या पद्धतीची मदत करताना मला ते दिसले आणि हे मिळालेलं सन्मान हे प्रत्येक माणसानं केलेल्या छोट्या छोट्या प्रयत्नांचं यश आहे। त्यामुळे हे सन्मान जरी नाईक साहेबांचा झाला तरी ज्या प्रत्येकानं आपलं आपलं छोटं छोटं योगदान या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये दिलं ते जे काही असेल त्या सर्वांचाच हा सन्मान आहे असं या ठिकाणी मला सांगायचं वाटतं। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।